हमीरपुर जिला में बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते अब पुलिस ने भी सख्ती बढ़ाना शुरू कर दी है, जिसके चलते हमीरपुर जिला के सभी चेक नाकों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अब पूरी एहतियात बरतते हुए दो रिजर्व बटालियन की ड्यूटी लगाई गई है। एसपी हमीरपुर अरजीत सेन ने बताया कि हमीरपुर के साथ लगते बॉर्डरों में भी बदलाव किया गया है ताकि पुलिस सुरक्षा बल दूसरी जगह पर प्रयोग में लाया जा सके। हालांकि इससे पहले बॉर्डर पर सभी जिलों के द्वारा अपनी अपनी फोर्सें तैनात होती थी, जिससे अधिकतर पुलिस बल नाकों पर ही तैनात हो रहा था और पुलिस को कंटेनमेंट जोन में कानून लागू करने में दिक्कतें भी पेश आ रही थी। एसपी हमीरपुर अरजीत सेन ने बताया कि जिला हमीरपुर में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर 12 पंचायतों में कंटेनमेंट जोन स्थापित किए गए हैं और कोरोना मामले के बढ़ने के अंदेशे के चलते सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते अब कंटेनमेंट जोन में केवल एक ही स्थान से जरूरी चीजों वाले वाहन आवाजाही कर पाएंगे, बाकी सारे रास्तों को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। उसी तरह जो हमारे कंटेनमेंट जोन एरिया है उसमें हमने जो बैरिकेडिंग से जो है आम रास्ते जो ट्रैवल करने के हैं वो बंद कर दिए हैं और जितना इन एंड आउट होगा वो एक ही रास्ते से, एक ही चेक पॉइंट से होगा ताकि जगह जगह से लोग बाहर ना निकल पाएं। तो इस तरह से हमने ये मैनेज किया है। हमको एडिशनल फोर्स आज ही कुछ मिली भी हैं, दो रिजर्व जो हैं हमको एक्स्ट्रा मिली हैं, तो उसका भी हम यूटिलाइजेशन प्रॉपरली और बढ़िया तरीके से करेंगे। इसी तरह हम इसको मैनेज कर रहे हैं। एसपी ने बताया कि हमीरपुर के साथ लगते चारों जिलों के साथ ज्वाइंट नाके लगाकर अब सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसके मद्देनजर ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी के एसपी के साथ मंत्रणा करके ज्वाइंट सुरक्षा प्लान भी तैयार किया गया है। देखिए, ये जरूर है कि अभी ऑलरेडी 10-12 पंचायतों में जो है कंटेनमेंट जोन अभी चल रहा है हमारा, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और आगे फ्यूचर में बढ़ने की अंदेशा है, तो उसके मद्देनज़र हमने थोड़ी सी फोर्स रैशनलाइजेशन ज़रूर की है। फोर्स रैशनलाइजेशन के लिए हमने सबसे पहले तो हमारे जो बॉर्डर के नाके हैं, जैसे कांगड़ा के साथ जो हमारा सुजानपुर और नदौन में नाका लगा है, उसी तरह बिलासपुर, उसी तरह मंडी, इनके साथ हमने एसपीज़ के साथ हमने चर्चा की। उसके बाद अब एसएचओ लेवल पे इसको डिस्कशन करने के बाद हमने फोर्स रैशनलाइजेशन की है और ज्वाइंट नाके लगाए हैं। यानी जैसे मंडी का एक नाका है जो मंडी साइड में एक लगता है और हमीरपुर साइड में एक लगता है, उन दोनों को कंबाइंड नाका बना के ताकि हमारी फोर्स जो है थोड़ी कम लगे और दोनों नाके जो है इकट्ठे एक ही जॉइंट नाका के रूप में रहे। उससे हमारी जो फोर्स फ्री हुई है उसको हमने अभी कंटेनमेंट जोन में यूटिलाइज करने का जो है कंटेनमेंट जोन में यूटिलाइज करने का प्लान बनाया है।